केजीएफ मूवी में याद है रोकी की माँ ने क्या कहा था, अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो शायद तुम एक जंग जीत पाओगे, लेकिन अगर उन हजार लोगों ने ये हिम्मत कर ली कि तुम उनके पीछे खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। एक लाइन है जो बार बार अंदर से दिल दहला देती है कि पैदा हुआ था राज करने के लिए, लेकिन आज गुलाम बनकर ही रह गया हूँ। देख मेरे भाई, जब तक तू जंगल का शेर नहीं बन जाता कोई तेरे से नहीं डरेगा, तुझको शेर बनना ही पड़ेगा। ताकतवर लोग ही इस दुनिया में राज करते हैं, जो कमजोर होते हैं वो हमेशा या तो मर जाते हैं या फिर मजबूरी में जीते हैं। पूरे धरती पर एक अकेला जिंदा प्राणी शेर ही है जो साला अपनी धाक से, अपनी दहाड़ से, अपने गुरूर और अपने फितूर से पूरे जंगल को झुका देता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो अकेला सो के बराबर होता है। ताकत होना ठीक है, हिम्मत होना भी ठीक है, तेज दिमाग और तीखी चाल होना भी सही है, लेकिन क्या इन सब से कोई राजा बनता है? शायद नहीं। क्या इनसे कोई मॉन्स्टर बनता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाथी और दरियाई घोड़ा जंगल पर राज करते, अगर ऐसा होता तो नेवला और जंगली कुत्ते भी जंगल घेरने की हिम्मत करते, अगर ऐसा होता तो लोमड़ी और चीता भी शेर के बाप होते। ऐसा नहीं है, ताकत, हिम्मत, तेज दिमाग, तीखी चाल सब मंजूर है, लेकिन इन सब को छोड़कर एक ऐसी बात अगर किसी बंदे में आ जाए तो वो अकेला सो के बराबर होगा। वो बात है सुल्तान बनने का एटीट्यूड। जिस बंदे ने पैदा होने के बाद से लेकर कभी भी किसी की गुलामी ना करने की कसम खा ली, उसका एटीट्यूड सातवें आसमान पर है कि चाहे जो हो जाए वो सुल्तान बनेगा, किसी का गुलाम नहीं। ठीक पुष्पा की तरह, तो चाहे पत्थर पर लिखवा कर ले लो, वो बंदा सो के बराबर ही नहीं लाखों में एक होगा, और वाकई में वो बंदा बहुत तगड़ा होगा। उस बंदे का तुम सिर काट सकते हो, लेकिन मजाल है कि तुम उसका सिर झुका दोगे। तुम्हारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन तुम उसे गुलाम नहीं बना पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्मों में हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अकेले सो के बराबर हों। छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, रविंद्र कौशिक, ऐसे बहुत शेरों को हमने देखा है जिनका नाम सुनकर ही सामने का झुंड थर थर कांपने लगता था। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, खासकर ये बताना चाहता हूँ कि तुम अकेले सो के बराबर बन सकते हो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक पूरा गांव संभालते हैं, जिला संभालते हैं, देश संभालते हैं, पूरा फेडरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, यानी वो एक साथ हजारों लाखों लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। क्या लगता है उनके अंदर कोई अद्भुत ताकत या कोई वरदान मिला है उन्हें? नहीं मेरे भाई, बस क्योंकि वो अकेले चलने से नहीं डरते, अकेले लड़ने से पीछे नहीं हटते। जिस तरह एक शेर हर हालत में एक शेर ही होता है, भले ही उसको 10-20 जंगली कुत्तों ने घेर लिया हो, मगर फिर भी वो अपना वजूद नहीं छोड़ता। और अगर मौत से भी बढ़कर तुम्हारा वो इंडिपेंडेंट एटीट्यूड हो गया ना, तो उस दिन तुम सो के बराबर हो जाओगे, एक मॉन्स्टर हो जाओगे। सच में यार, गैंगस्टर बनने में क्या मजा है? झुंड में जाकर किसी एक दो को मारो, ये तो कुत्ते, लोमड़ी, सुअर और भेड़िए भी करते हैं। मजा तो मॉन्स्टर बनने में है जो अकेला पूरे झुंड को मारे, अकेले पूरे गैंग से निपटे। हाँ पता है, एकदम से इतना जिगर, इतनी ताकत नहीं आएगी, लेकिन एक बार निपट कर तो देखो, अंदर से शेरों वाली फीलिंग आएगी, और फिर साला जिंदगी का हर आखिरी डर भी मर जाएगा। अब तक तो बेशक तुम्हारे दिल में वो आग लग चुकी होगी जो तुम सोच कर आए थे, लेकिन इतना काफी नहीं है। एक आदमी अकेले सो के बराबर होगा, बस अगले कुछ मिनट नजरे गड़ाए रखना। तीन ताकतवर नीतियां बताऊंगा, दिमाग में उतार लो, साला किसी का बाप भी नहीं झुका पाएगा। पहली नीति, जिंदगी के सिद्धांत साफ रखो, ना किसी को छेड़ो, और अगर कोई तुम्हें छेड़े तो उसे हर हाल में ना छोड़ो। कभी किसी के साथ गलत मत करो, अपने हिसाब से जिंदगी जियो। बच्चे, बुजुर्ग और औरतों की इज्जत करो, और कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कल शर्मिंदा होना पड़े, सिर झुक जाए। ऐसे कुछ और सिद्धांत बनाओ, और बस फिर चाहे जान जाए, लेकिन हर हाल में इनसे मन मत हटाना। जो इंसान सिद्धांतों के साथ अपनी जिंदगी नहीं जीता, उसकी दूसरे तो क्या, खुद अपने भी इज्जत नहीं करते। उसकी जिंदगी कटी पतंग की तरह होती है, किस दिशा में जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन आखिर में कचरे में ही मिलेगी, ये सब जानते हैं। दूसरी नीति, कुत्तों की संगत छोड़ो। अगर शेरों की बादशाह चाहते हो तो कुत्तों की संगत छोड़ो। अगर शेर का बच्चा भी कुत्तों के झुंड में बचपन से रहने लगेगा तो वो कभी नहीं धाड़ पाएगा, बल्कि सिर्फ भौंककर ही रह जाएगा। शेर का बच्चा भले ही राजा की प्रजाति का होगा, लेकिन अगर बचपन से वो सिर्फ शिकार बनता रहेगा, शिकार करना नहीं सीखेगा, तो उसे कोई अपना राजा नहीं मानेगा। इसलिए शेरों की संगत में रहो, क्योंकि ऊंची सोच वाले बनोगे तो ऊंचे दर्जे में रहोगे। तीसरी नीति, अपनी सारी कमजोरियों को खत्म कर दो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी जल्दी हार जाएगा अगर उसकी कमजोरियां ज्यादा होंगी। रावण जैसा त्रिलोकाधिपति भी महज एक बाण से हार गया, क्योंकि उसकी कमजोरी उसकी नाभि थी। इनफैक्ट इसके अलावा उसकी कोई कमजोरी थी ही नहीं,
जिससे उसे हराया जा सके, मगर अपने घमंड और इस कमजोरी की वजह से वो मारा गया। याद रखना, तुम्हारी जितनी ज्यादा कमजोरियां होंगी तुम उतना ही हारोगे, कमजोर ही रहोगे और हमेशा गुलामी और समझौते में ही जिंदगी कटेगी। मॉन्स्टर बनना है, अकेले सो के बराबर होना है, तो अपनी हर कमजोरी को एक एक करके खत्म कर दो। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मुझको नहीं लगता कोई भी अब बेचारा या किस्मत का मारा बनकर रहना चाहेगा। यहाँ से शेरों वाली जिंदगी जीनी है, सुल्तान बनकर मरना है। जब तक जिएंगे अपने दम पर जिएंगे, अकेले सो के बराबर बनेंगे। बस इस एटीट्यूड को दिल में बनाए रखो, बसाए रखो और आग लगाते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं एक और नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।